Hey, hello everyone. इससे पिछले जो वीडियो बना रहे थे उसमें क्या हुआ था, मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है फोन से ही रिकॉर्डेड होता है आपकी वीडियो और उसे से शूट करते हैं, क्योंकि आपका हुआ था कि वीडियो बीच में 15 मिनट जैसे ही हुआ था आपका वीडियो रुक गया था। वो समय हम लोगों ने उठ जैसे ही शुरू किए थे आपका वीडियो रुक गया था। हालांकि वीडियो को जो फोन का जो स्टोरेज है वो ऑलरेडी फुल हो चुका था, जिसके कारण इससे जितने भी पहले वीडियो था वो वीडियो सारी था ही, इसके कारण इसका स्टोरेज फुल होने के कारण इसका वीडियो आपका पोस्टपोन हो गया, रुक गया, जिसके कारण हम आपको वीडियो स्लाइड 15 मिनट क्लास लगभग हुआ, उसके बाद अब हम कंटिन्यू इस क्लास में करेंगे। ये वीडियो कम से कम जितना हो सके उतना अधिक से अधिक करेंगे, कम से कम 12 एक वीडियो में कम से 12 यानी 12 वर्ड की चरणों का चर्चा करेंगे, है ना। तो आप लोग देखेंगे फिर से उड़, है ना। हालांकि आप लोगों ने पीपल का प्रयोग तो देख ही ले समझ ही आया होगा कि पीपल क्या है ना। पीपल जो है, पीपल का प्रयोग जब लोगों के अर्थ में होते हैं तो पीपल ही प्रयोग होते हैं, ना कि उसका हम सिंगलर, एक सिंगलर में हो या प्लूरल है, दोनों में हम पीपल ही यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम पीपल को अगर हम इसमें एस ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एस ऐड करते हैं, तो पीपल्स हो जाता है, जिसका मतलब राष्ट्र हो जाता है ना। जैसे हम बताए हैं कि इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, इंडिया जो है वो एशिया का एक राष्ट्र है यानी देश है। लेकिन वही पे बताए कि many people of this town are wealth यानी इस सोसाइटी समाज के जितने भी लोग हैं वो समृद्ध है, तो उस तरह हम पीपल का प्रयोग करते हैं, है ना। क्योंकि हम आपका एक भी ट्रांसलेशन जो हो, जो भी हम एग्जांपल लेते हैं वो आपका एग्जांपल या तो बुक से होते हैं या तो मेरा अपना खुद से जो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली मेरे माइंड में आते हैं उस तरह के एग्जांपल हम आपको लिखा देते हैं ना। उसके बाद चलिए, पीपल का प्रयोग मुख्य रूप से यही होता है। उसके बाद आता है वुड, है ना। वुड क्या होता है जरा ध्यान दे, वुड का मतलब होता है लकड़ी, ध्यान दीजिए, वुड का मतलब होता है लकड़ी। और जब हम उड को, उड में जब हम एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस जोड़कर, जैसे हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो वो बन जाता है उड्स, यानी जंगल बन जाता है, क्या बन जाता है, जंगल बन जाता है उड्स, यानी एस जोड़ते हैं तो उड्स हो जाता है, जिसका मतलब जंगल हो जाता है। और ये प्लूरल बन जाते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, है ना। तो इस तरह यूज होते हैं, यानी उड का प्रयोग जब भी, अगर उड में जैसे ही आप एस या एस लगाएंगे यानी प्लूरल उसको बनाएंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, जिसका मतलब होता है जंगल होता है। जबकि उड में अगर उड का मतलब लकड़ी होगे तो ये सिंगलर की तरह यूज होंगे, किसके तरह, सिंगलर की तरह होंगे और वर्ब भी सिंगलर लेंगे, है ना। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह जो है, यह जो चेयर है, ये चेयर किसका बना हुआ है, वुड का या वुड्स का, बताइए, कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो इसका यूज जो हुआ है वुड्स नहीं यूज हुआ है, वुड की तरह यानी लकड़ी का बना होता है। उसी तरह अगला नेक्स्ट एग्जांपल है कि देयर इज अ वुड या वुड्स नियर माय विलेज, मेरे घर के पास एक लकड़ी है या एक जंगल है, तो आप कहेंगे कि जंगल है, तो वुड्स होगा ना, ना कि वुड होगा, है। उसी तरह पाउडर, पाउडर जो है, पाउडर का मतलब जरा ध्यान दीजिए, पाउडर, पाउडर का मतलब एक पाउडर जो अक्सर लोग अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं वो लोग अक्सर पाउडर का यूज करते हैं। और एक पाउडर जो होते हैं, जो अक्सर बूढ़ी, जो हमारी दादी होती है या दादे होते हैं या नाना होते हैं या नानी होते हैं, वो अक्सर बुढ़ापे में, और ऐसा हम लोगों का भी समय आएगा जब हम लोगों को फक्की वाली दवाई खाने होंगे, तो उसी पाउडर यानी चूर्ण जो होते हैं, वो चूर्ण जो खाते हैं उनको भी पाउडर्स कहते हैं। यानी पाउडर जो होते हैं जो हम अपने आप को खूबसूरत यानी साफ हैंडसम दिखाने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए पाउडर यूज करेंगे। जबकि अगर हम फक्की वाली दवाई यानी चूर्ण के लिए यूज करेंगे तो पाउडर्स यूज करेंगे, है ना। यानी जब हम, ध्यान दीजिए, पाउडर यानी जब इसका प्रयोग अपने आप को ब्यूटी दिखाने के लिए, क्या करेंगे, ब्यूटीफाई दिखाने के लिए यूज करेंगे तो पाउडर यूज करेंगे, क्या करेंगे, पाउडर यूज करेंगे। लेकिन जब हम इसको मेडिसिन यानी एक ट्रीटमेंट के अर्थ में, क्या थे, ट्रीटमेंट के अर्थ में अगर लेंगे यानी एक उपचार के अर्थ में लेंगे तो हम पाउडर्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पाउडर्स यूज करेंगे। पाउडर्स, ये पाउडर ये सिंगलर हो जाएंगे जबकि ये प्लूरल हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। ये वर्ब कैसा लेगा, सिंगलर वर्ब लेगा, और ये वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, है ना। वर्ब कैसा लेगा,
प्लुरल लेगा। आप जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, जरा ध्यान। नाउ नाउ अब ओल्ड मैन यानी बूढ़े लोग जो भी है यूज पाउडर टू ब्यूटिफाई देयर फेस, यानी कहता है ना दिल, ऐसे एक कहावत है कि उम्र 55 के अब और जो इच्छा है वो जवानी के यानी बचपन के है, तो वही है बुढ़ऊ का जो होते हैं बूढ़े, बुढ़ऊ से होते हैं बूढ़े बाबा, उनका उम्र तो चल गए हैं यानी एक पांव जो है कब्र में लटके हुए, लेकिन तब पर भी उसको क्या चाहिए, पाउडर चाहिए, यानी अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए वो पाउडर चाहिए, तो उस अर्थ में पाउडर के अर्थ में यूज करेंगे पाउडर। लेकिन जब अपने जब बूढ़े बाबा एक तरह तो अपने आप को सुंदर दिखाते हैं और एक तरह वो पाउडर्स भी खाते हैं यानी फक्की वाली दवाई भी खाते, तो ये सम है, इसके साथ प्लुरल आए हैं तो पाउडर्स यूज हुए हैं, है ना। तो पाउडर और पाउडर और पाउडर्स में फर्क समझ गए होंगे ना। उसके बाद होता है प्रैक्टिस, ध्यान दीजिए प्रैक्टिस जो होते हैं ना, प्रैक्टिस जो होते हैं, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास या आदत, और रिवाज और रस्म। जब आप अभ्यास या आदत के रूप में यूज करेंगे, कहते हैं ना कि मोर प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, यानी अधिक आप पढ़ेंगे तो अधिक आपको कठिनाई होगी। मो ये कहता है, यू कहता है, तो प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो होते हैं हम लोगों को एक मजबूत बनाते, परफेक्ट बनाते हैं, है ना। उसी तरह तो वहाँ प्रैक्टिस जो होते हैं यूज होते हैं वो अनुभव प्रयास या आदत के रूप में यूज हुए हैं। लेकिन जब वही प्रैक्टिस को हम जब प्लुरल बना के और प्रैक्टिस को हम PRACTICES प्रैक्टिसेस के अर्थ में हम यूज करते हैं ना, प्रैक्टिसेस के अर्थ में यूज करते हैं, जब इसका मतलब हो जाता है रस्म, क्या हो जाता है, रस्म या रिवाज हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम लोगों को पुरानी जितने भी पुरानी कल्चर थे उन कल्चरों को हमको भूल जाना चाहिए, वी फॉरगेट द ओल्ड प्रैक्टिस या प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिसेस होगा, है ना, प्रैक्टिस नहीं होगा प्रैक्टिसेस होगा, क्योंकि हम लोगों को फॉरगेट कर जाना चाहिए, वी शुड फॉरगेट द ओल्ड ट्रेडिशन या प्रैक्टिसेस, है ना। तो इस तरह हम यूज करेंगे, जैसे आप एग्जांपल में देख रहे होंगे कि इट हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस, कहता है एक ऐसी, ये आपका बुक का एग्जांपल है कि एक ऐसा एग्जांपल, एक ऐसा एक कॉमन प्रैक्टिस हो गया, एक आदत सी पर, एक साधारण से अभ्यास या आदत पर गया है विथ द स्टूडेंट, विद्यार्थी को एक आदत पर गया, कैसा आदत पर गया, ट्रेवल विदाउट टिकट, यानी बिना टिकट के यात्रा करना उन सबों की आदत हो गया, तो वहां पे प्रैक्टिस के तरह यूज हुआ है, न कि आप प्रैक्टिसेस के अर्थ में यूज करेंगे, ये करेंगे ये गलत हो जाएंगे। जब भी आप आदत या अनुभव या प्रयास के अर्थ में यूज करेंगे तो आप प्रैक्टिस का यूज करेंगे, है ना, समझ में। उसी तरह वी शुड अवॉइड द ओल्ड प्रैक्टिस, हम लोगों को पुरानी परंपरा, यहाँ पे प्रैक्टिस है ना, तो यहाँ प्रैक्टिस तो हो गया इसका अभ्यास, हम लोग क्या पुराना अभ्यास को छोड़ दें, आदत को छोड़ देना चाहिए, नहीं, हम लोगों को पुरानी रस्म और रिवाज को छोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पे एस लगेगा तब ये सही होंगे, इसके जगह आप प्रैक्टिस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएंगे, समझ में आ गए, आया ना। चलिए अब इसको हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट एक मिनट में जल्दी लेंगे, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए अब इसको मिटा दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, भाई मेरे, भाई मेरे बंधु मेरे सखा, आप लोग आप ही के दुआ से, आप ही लोग जितने सब्सक्राइब करेंगे इतने कमेंट करेंगे तो हम लोगों को अंदर से एक कॉरेज मिलता है, एक साहस मिलता है कि आपको अधिक से अधिक स्पीड में आपको आपको वीडियो बना दे और वीडियो बना के आपको लोड करे ताकि आप अधिक से अधिक समझ सके और अपने एग्जाम को एक नई एग्जाम में एक नई उड़ान भर सके। एक कहावत भी सुने ही होंगे, जमीन पे बैठ के क्या देखता क्यों आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, उड़ना ही है
तो पंख पड़ो को खोल और उड़जावाना उड़ान देखो। अगर जमीन पे बैठ के आसमान देखो तो उससे अच्छा होगा कि अपनी पड़ों को खोलिए, अपनी पंख को फैलाइए, अपनी मजबूती की प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, और अपनी आप जो सफलता होंगे वो सफलता आपका पूरा सोसाइटी देखेंगे, समाज देखेंगे, पूरा आपका मोहल्ले देखेंगे, पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है क्या है, प्रैक्टिस के बाद आते हैं कलर, कस्टम और इफेक्ट। ये तीनों वर्ड को हम एक साथ लिखते हैं, उसके बाद तीनों पर हम डिस्कशन करेंगे, है ना। कलर, कस्टम, उसके बाद है इफेक्ट। इफेक्ट ध्यान दीजिए, यहां कलर्स, एक तो आप समझ जानते ही होंगे कलर का मतलब क्या होता है, रंग होता है, है ना। कलर का मतलब क्या होता है, रंग होता है। और कलर्स जब, और एक कलर का मतलब रंग होते हैं, और जैसे ही आप कलर को प्लूरल बनाते हैं, क्या करते हैं, कलर में जैसे ही आप एस जोड़ते हैं तो ये कलर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कलर्स बन जाते हैं, जिसका मतलब झंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, झंडा हो जाता है, यानी कलर, कलर का मतलब रंग होता है, जैसे हम उसको पूलर बनाते हैं तो वो कलर्स हो जाते हैं, जिसका मतलब हो जाता है झंडा हो जाता है। यानी जब कलर्स का प्रयोग रंग की तरह होंगे तो ये सिंगुलर होंगे, है ना, और वर्ब भी कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। लेकिन जब कलर्स का प्रयोग झंडे के अर्थ में होते हैं तो ये प्लुरल हो जाते हैं और वर्ब भी प्लुरल लेते हैं। कैसा लेते हैं, वर्ब भी प्लुरल लेते हैं। जैसे देयर, ध्यान दे, देयर आर, आप एग्जाम पे आपके बुक में है, देयर आर सेवन कलर, देर आर सेवन कलर, यही है ना, देर आर सेवन कलर्स इन द रैनबो, BOW, रैनबो, देर आर सेवन कलर्स इन रैनबो। तो यहाँ पे रैनबो, यहाँ पे कलर्स है ना, ये झंडे की तरह यूज है। सेवन का मतलब सात, सात कलर्स होते हैं। तो यानी आप ये देखेंगे कि जब भी, यानी रंग के अर्थ में होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, और ये अपने अर्थ के अनुसार ये सिंगुलर प्लुरल बनते हैं, है ना। यानी ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लुरल भी हो सकते हैं, वर्ब सिंगुलर और प्लुरल दोनों ले सकते हैं अपने अर्थ के अनुसार। लेकिन जब हम इसको कलर में यूज, यानी झंडे की तरह यूज करेंगे तो कलर्स ही होंगे। इसका प्रयोग कभी भी आप सिंगुलर में नहीं, ये जब भी यूज होंगे तो प्लुरल की तरह ही यूज होंगे। आपको एग्जांपल भी देखे हो, देख रहे होंगे कि कहता है कि ऑल द सोल्जर्स सैल्यूटेड द कलर्स, जितने भी सोल्जर है वो सब क्या करते हैं, झंडे को सलामी देते हैं, अभिवादन करते हैं, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल भी देखे होंगे, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हुए कि ऑल द सोल्जर्स, ऑल द सोल्जर्स, ऑल द सोल्जर्स सैल्यूटेड द कलर्स, यानी झंडे को सलामी देते हैं, है ना। उसके बाद आती है कस्टम्स, उसके बाद है कस्टम्स, ध्यान दे। कस्टम का मतलब होते हैं, एक होते हैं रस्म और रिवाज, है ना, और एक कस्टम का मतलब कर भी होते हैं। क्या होते हैं, कर। जब, ध्यान दीजिए, जब कस्टम का प्रयोग रस्म या रिवाज करेंगे तो ये सिंगुलर की तरह यूज होंगे, और जब कस्टम को जैसे ही आप कस्टम्स यानी प्लुरल बनाएंगे तो ये कर्म आदि कर हो जाएंगे, जिसका प्रयोग आप प्लुरल की तरह करेंगे और वर्ब भी, और वर्ब भी कैसा लेंगे, वर्ब भी प्लुरल लेंगे, है ना, वर्ब भी प्लुरल लेंगे और कस्टम इसको ऐसे लेकिन वर्ब प्लुरल, है ना, यानी प्लुरल होंगे और वर्ब भी कैसा लेंगे, प्लुरल होंगे कस्टम के अर्थ में। जैसे एग्जांपल आप बुक में देख सकते हैं, है ना, बुक में एग्जांपल है कि हिंदूज,
हिंदूज वाइफ वॉज बर्न्ड विथ द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड नाउ दिस कस्टम इज नॉट वॉश। यानी हिंदू पत्नी, हिंदू समाज की जितनी भी बहू थी, पत्नियां होती थी, उन सभी पत्नियां को अपने पति के डेड बॉडीज के साथ उन्हें भी जला दिया जाता था। लेकिन अब ये प्रथा समाप्त हो गई, ये कस्टम समाप्त हो गए हैं। उसके बाद है सेकेंड जो एग्जाम्पल है कि वी शुड अवॉइड आवर ओल्ड कस्टम्स, हम लोगों को पुरानी प्रथाओं से दूर रहनी चाहिए। उसके बाद थॉट है कि आई हैव टू पे कस्टम्स व्हेन आई इम्पोर्ट थिंग्स, जब हम वस्तुओं को आयात करते हैं तो हम लोगों को कस्टम्स यानी कर को पे करनी चाहिए, है ना। तो हम इस तरह यूज करते हैं, यानी जब कस्टम का प्रयोग एक प्रथा के यूज में हो तो कस्टम होते हैं, लेकिन जब कर का कर के अर्थ में यूज होते हैं तो वो पुलर यानी कस्टम्स के यूज में होते हैं। जैसे ऑल कहते हैं कि व्हेन, जब हम व्हेन वी export things, then we will pay customs, तब हम लोगों को क्या पे करना पड़ता है, customs पे करना पड़ता है, है ना। तो ये कस्टम हो गए और कस्टम्स, कस्टम और कस्टम्स में फर्क समझ गए हमें। कस्टम का प्रयोग रस्म और रिवाज में किए जाते हैं, वो सिंगल होते हैं, जैसे आप एग्जांपल बुक में देखेंगे। उसके बाद कस्टम क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं, ठीक है, थीके? ये तो आपको इसका मतलब समझते हैं कि कस्टम का मतलब रस्म और रिवाज होते हैं, लेकिन आप कस्टम्स जैसे ही कर देंगे तो वो प्लुरल हो जाते हैं और उसका अर्थ कर हो जाते हैं। उसके बाद इफेक्ट, जरा ध्यान दीजिए, एक इफेक्ट है ना, एक इफेक्ट है और एक होता है अफेक्ट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे किताब में लेके जरा हट के हम जैसे बताते वो समझे, कि क्योंकि आपका क्वेश्चन इफेक्ट है। जैसे कहते हैं कि वी आर इफेक्टेड, है ना, वी आर इफेक्टेड बाय द कोविड 19, हम लोग कोविड 19 से अफेक्टेड हो जाते हैं। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये अफेक्टेड है जो नाउन है, लेकिन हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ये वर्ब होते हैं और ये नाउन होते हैं, इसी तरह आपको यूज करके आपको एरर बना के दे देते हैं जो आप अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो इसका आप सही क्या बनाएंगे कि वी आर अफेक्टेड बाय द कोविड 19, कोविड 19 से हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, और आपके एग्जाम में इस अफेक्टेड के बदले आपको ये एक अफेक्टेड घुसा के दे देते हैं जो गलत हो जाते हैं। इसका प्रयोग नाउन की तरह होते हैं, जैसे जरा आपके बुक में आप देखे होंगे कि अफेक्टेड है कि द मेडिसिन, यहाँ पे है कि गुड एडवाइस हैज नो इफेक्ट ऑन रस, यानी यहाँ पे आपके बुक में है कि गुड एडवाइस has no effect on youth, यानी उदंड व्यक्तियों को, उदंड जवानों पे अच्छे सलाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अफेक्ट है जिसका मतलब होता है प्रभाव, और ये अफेक्ट है जो वर्ब की तरह नाउन की तरह यूज हुआ है। तो इस यही अंतर है। आज बहुत ही गर्मी लग रहा है, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो पे नए चैनल पे नए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बाय।